How can you achieve prominent and high cheekbones? Hi, I'm Dr. Shreya Krishna, your trusted oral and maxillofacial surgeon from New Delhi. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो मच डिजायर्ड लुक होता है ऑफ वुमेन स्पेशली ऑफ हैविंग वेरी हाई चीक बोन्स एंड अ लॉट ऑफ फुलनेस ऑफ द चीक, ये कैसे हम अचीव करते हैं फॉर पीपल जिनके पास ये चीज नहीं होती है. सो फर्स्ट, चीक फैट एंड जो चीक बोन जो प्रोमिनेंट होती है, दैट इज अ साइन ऑफ यूथ एंड दैट इज अ साइन एंड अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समबडी वेरी ब्यूटिफुल. सो ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों में ये चीक बोन्स प्रोमिनेंट होते हैं या चीक प्रोमिनेंट होता है एंड फुल होता है एंड कई पेशेंट्स में ऐसी चीज नहीं होती है? वेल, जो हमारा चीक का फुलनेस एंड जो हमारी चीक का प्रोजेक्शन एंड हाईनेस कैसे आती है, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई टू थिंग्स. द फर्स्ट इज आर चीक बोन्स इटसेल्फ. जो हमारा फेशियल स्केलेटन एंड हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है फेस में, उसमें दोनों साइड एक बोन होती है जिसका नाम होता है मैलार बोन और द जाइगोमैटिक बोन. ये कितनी थिक है एंड इनकी क्या शेप एंड फॉर्म है उस पे डिपेंड करता है कि जो हमारी चीक्स हैं वो कितनी हाई प्रोमिनेंट एंड प्रोजेक्टेड लगे. जो सेकेंड फैक्टर है जिससे हमारी चीक्स फुल लगते हैं वो होता है हमारा चीक का फैट. सो ये जो चीक का फैट होता है ये पूरा इस एरिया को एक फुलनेस देता है. ये दोनों अगर हमारे फुल हों और काफी प्रोमिनेंट हों एंड वेल डेवलप्ड हों तो ओवरऑल फेस लुक्स मोर यूथफुल. नाउ एज वी एज, बोन का स्ट्रक्चर ज्यादा चेंज नहीं होता है. इट इज दिस चीक फैट विच वी लूज ओवर इयर्स. व्हाई डज दैट हैपन इज ए बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. जो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी पे, वो क्या करता है, वो इन फैट के जो बंडल्स होते हैं उनको नीचे खींचता है. बिकॉज वो नीचे आ जाते हैं तो वो हमारी स्किन थोड़ी सैगिंग लगती है एंड जो ऊपर का प्रोमिनेंस होता है वो चला जाता है. सेकेंड, फैट ओवर द इयर्स एट्रोफी भी हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा साइज उसका छोटा हो जाता है, वो थोड़ा सा सूख जाता है इन वेरी सिंपल टर्म्स. ये मेन फैक्टर्स हैं कि जो आप अगर एजड लुक कंपेयर करेंगे अपने खुद के यंगर लुक से, तो आपको लगेगा कि आपका चीक सडनली थोड़ा हॉलो हो गया है एंड आपकी फुलनेस चली गई है, जिसके वजह से आपकी एज ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखती है. सो नाउ लेट्स गेट टू द एक्साइटिंग पार्ट. क्या इसका कोई आंसर है? क्या हम इस तरीके की एजिंग को रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम आपकी यूथफुलनेस एंड आपकी जो चीक की प्रोमिनेंस है उसको वापस ला सकते हैं? यस, वी डू हैव एन आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑलवेज फोकस ऑन व्हेन इट कम्स टू चीक्स इज दैट हमें सिर्फ स्किन टाइटनिंग से, फेसलिफ्ट से कितना अचीव कर सकते हैं, वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट दैट. अगर हमारा फोकस एरिया और अगर हमारा पेशेंट का प्रॉब्लम एरिया उनकी चीक की फुलनेस के बारे में है, देन वी शुड रादर फोकस ऑन रिप्लेसिंग द वॉल्यूम ऑफ द चीक रादर देन एनी अदर प्रोसीजर. वॉल्यूम ऑफ द चीक हम थ्री वेज में फिल कर सकते हैं. फर्स्ट इज चीक फिलर्स. आप जानते हैं अभी मार्केट में बहुत तरीके के फिलर्स होते हैं जो हम इंजेक्ट कर सकते हैं. बहुत ही लो इन्वेसिवनेस है इनका. हालांकि ये परमानेंट नहीं है, एक दो साल चलते हैं ये फिलर्स. जो हमारा सेकेंड तरीका होता है फेशियल वॉल्यूम या चीक वॉल्यूम रिस्टोर करने के लिए, वो होता है फैट ग्राफ्टिंग से. तो हम आपके थाइस से एंड आपके एब्डोमेन से एक्स्ट्रा फैट लेके आपके फेस में, आपकी चीक्स में इंजेक्ट करते हैं. हालांकि ये मोर परमानेंट प्रोसीजर है या मोर परमानेंट ऑप्शन है, स्टिल इट इज नॉट वेल सूटेड वेयर आपको बहुत ज्यादा फुलनेस की रिक्वायरमेंट हो, बिकॉज दिस प्रोसीजर इटसेल्फ कैन आल्सो कॉज सैगिंग लेटर ऑन. एंड सेकेंडली, ये जो फैट होता है ये भी श्रिंक होता है ओवर इयर्स. बट फॉर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस अगेन इट इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस. जो थर्ड ऑप्शन है एंड जो पर्सनली आई फील कि इट गिव्स यू मोर डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज चीक इम्प्लांट्स. नाउ पेशेंट्स घबराते हैं ये सुन के कि इम्प्लांट डालेंगे, फॉरेन बॉडी डालेंगे बॉडी में तो कैसा रिएक्ट होगा. बट जस्ट टू टेल यू कि जो आपका, अगर हम आजकल के जो इम्प्लांट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बायो कंपैटिबल होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं. इफ प्लेस्ड करेक्टली विद अ गुड टेक्निक एंड फॉलोइंग ऑल द करेक्ट स्टेप्स, देन मोस्ट ऑफ दीज चीक इम्प्लांट्स डू नॉट गेट इन्फेक्टेड. Now going more in depth about cheek implants,
चीक इम्प्लांट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये वॉल्यूम को बहुत परमानेंट एंड बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिजर्व करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फैट लॉस होने से क्या होता है, थोड़ा सैगिंग हो जाती है, वॉल्यूम चला जाता है। जो हम फिलर्स एंड फैट डालते हैं वो भी इन अ वे दे आर नॉट सॉलिड इन फॉर्म, सो दे डू नॉट कीप द स्किन दैट टाइट और दे नॉट गिव टू मच प्रोजेक्शन। विद एन इम्प्लांट बिकॉज इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा डिजायर्ड लुक आता है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज परमानेंट, इट हैज वेरी लो रेट ऑफ इन्फेक्शन, इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजिली इफ यू वॉन्ट, सो इट इज इन अ वे रिवर्सिबल ऑल्सो अगर आपको पसंद ना आए, एंड बहुत ही लाइट वेट एंड कम्प्लीटली कंपैटिबल मटीरियल होता है इम्प्लांट। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को इम्प्लांट चाहिए एंड कैसा इम्प्लांट चाहिए। वेल, आपके ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स आपको पहले एनालाइज करते हैं कि आपको जो फुलनेस है वो इस सब मैलर एरिया में चाहिए, यहाँ के फैट लॉस की वजह से, चीक बोन के प्रोमिनेंस के ऊपर चाहिए जो आपका मैलर इम्प्लांट होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वंस इट इज डिसाइडेड आपको कौन से इम्प्लांट की नीड है, लेट अस गो ओवर द वेरी बेसिक स्टेप्स ऑफ प्लेसिंग द इम्प्लांट। सबसे पहला, ये इम्प्लांट्स हम लोकल एनेस्थीसिया में भी डाल सकते हैं, ऑल्दो वी प्रेफर की सेडेशन या जनरल एनेस्थीसिया में हो अगर कंबाइंड प्रोसीजर्स हैं। सेकेंड, इंसिजन बहुत ही छोटा होता है एंड कम्प्लीटली फ्रॉम विद इन द माउथ होता है, सो यू डोंट हैव एनी स्कार ऑन योर फेस। थर्ड, यू हैव टू बी ऑन एंटीबायोटिक्स आफ्टर द प्रोसीजर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, एंड थोड़े बहुत आपके डायटरी रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं। फोर्थ, इन आर प्रैक्टिस वी डू कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर इम्प्लांट, सो दैट आप ही के फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ये इम्प्लांट्स बनाएं। कॉम्प्लिकेशंस में स्वेलिंग ऑफ द फेस, रेडनेस ऑफ द फेस इज कॉमन, ऑल्दो वो भी कुछ हफ्तों में चली जाती है। इन्फेक्शन रेयर केसेस में होता है, बट अगर होता है वी डू हैव एन आंसर फॉर इट। बहुत एक्सट्रीम केसेस में हमें कभी कभी इम्प्लांट भी निकालना पड़ सकता है। इफ यू आर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम लो कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके संकन चीक्स हैं, आपकी चीक बोन्स प्रोमिनेंट नहीं है, प्लीज डू ड्रॉप इन अ मैसेज हियर और कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन बिलो। थैंक यू।